हेलो क्रिकेट लवर्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आइकन, जो यूथ आइकन है उसके बारे में बात करने वाले हैं, दीपक चहर, जो एक बहुत ही अच्छे बॉलर और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। तो उनकी बायोग्राफी के रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दीपक चहर का जो जन्म है वो 7 अगस्त 1992 को आगरा यूपी के अंदर हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूपी से ना करके राजस्थान से करनी पड़ी, क्योंकि इनके जो फादर साहब है लोकेंद्र चहर, उनकी जो पोस्टिंग थी आर्मी के अंदर वो राजस्थान के गंगानगर सिटी में थी। तो इन्होंने अपना शुरुआत जो करियर का जो शुरुआत किया वो राजस्थान से ही किया, और राजस्थान की जो स्टेट टीम है उसके लिए ये अपना डेब्यू किया और उसी के लिए खेले। तो इन्होंने अपना जो गंगानगर में जो प्रैक्टिस थी उसके बारे में आपको बताता हूँ कि इनके जो फादर साहब वो खुद एक क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट होने की वजह से क्रिकेटर ना बन सके, लेकिन अपने दोनों जो बच्चे हैं उनको इन्होंने क्रिकेट के अंदर शुरू से ही इन्वॉल्व रखा, और आज देखिए आप दीपक चहर और राहुल चहर के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो और मैं इनकी माँ का नाम आपको बताता हूँ कि माँ का नाम पुष्पा चहर है, और इनकी जो सिस्टर है वो मालती चहर है, जो मॉडलिंग का काम करती है, और 2014 के अंदर जो मिस इंडिया है उसके फाइनलिस्ट में भी वो गई थी। तो इनके करियर के बारे में बात करने वाले हैं कि इनका जो करियर है, इनका जो वनडे डेब्यू हुआ था वो हुआ था 25 सितंबर 2018 को अफगानिस्तान के खिलाफ हुआ था, और जो T20 डेब्यू था वो 8 जुलाई 2021 को हुआ था, वो श्रीलंका के खिलाफ हुआ था। इनके ब्रदर के बारे में आपको बताया हूँ कि राहुल चहर इनके जो बड़े भाई हैं वो जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, और 2018 जो इनका जो गोल्डन ईयर रहा है दीपक चहर के लिए, क्योंकि इन्होंने 2018 के अंदर 21 विकेट लिए, रणजी ट्रॉफी के अंदर 21 विकेट लेने के बाद इनका जो कैरियर है वो पीक पे आ चुका था, और इनकी किस्मत बहुत ही बढ़िया थी कि इसी साल इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन के अंदर खरीदा, और इसके बाद तो इनका कैरियर आसमान छूने लग गया, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट सीजन के अंदर ही जो आईपीएल सीजन इनका रहा, फर्स्ट सीजन के अंदर ये मेन बॉलर चेन्नई सुपर किंग्स के बन के उभरे, और धोनी ने इनका बताना कि धोनी ने इनके जो करियर है उसको बहुत आगे लेके गए, और जो इनका स्विंग है उस पर बहुत काम किया। धोनी ने इनसे कहा कि आपको स्पीड से ज़्यादा अपने स्विंग पे ही ध्यान देना, क्योंकि यही आपकी मेन स्ट्रेंथ है। तो ये इनके बारे में बेसिक चीज़ें थी। अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई वहाँ से कर दूँगा। ये इनके करियर की बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, और जो भी डाटा है ये सब गूगल से ही रिलेटेड डाटा है, इसके लिए कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है या ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, जो भी डाटा मिला गया है आपको लीगली बताया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।